उपस्थित मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा है, क्योंकि कांग्रेस का युवा नेतृत्व दोगली बात करता है। राहुल गांधी एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी ओर भ्रष्ट हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर लोकायुक्त लाने की हिमाचल में बात करते हैं। एक और देश से भ्रष्टाचार साफ करने की बात करते हैं, दूसरी ओर हिमाचल के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को संरक्षण देते हैं। और वो एक बार नहीं, पांचवा केस हिमाचल के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार आया है। अगर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्ट नेता को बाहर फेंक दिया होता तो हिमाचल प्रदेश में लूट नहीं हुई होती, लेकिन शायद हिमाचल की लूट का पैसा 10 जनपद तक आता है मित्रों, इसीलिए हिमाचल के मुख्यमंत्री को संरक्षण मिलता है। राहुल गांधी क्यों चुप बैठे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते? एक और वीरभद्र सिंह एक पावर प्रोजेक्ट वकामुल्ला चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति को देते हैं और दूसरी ओर उससे 7.5 करोड़ रुपया अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर लेते हैं। क्या आप भ्रष्टाचार को सहन करोगे? नहीं। क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करोगे? हाँ। क्या राहुल गांधी के घर तक मार्च करोगे? हाँ। मित्रों, ये केवल 7.5 करोड़ रुपया नहीं था, ये इससे ज्यादा बहुत कुछ लिया गया है। 7.5 करोड़ रुपया पूरे परिवार ने लिया, इनके परिवार के लगभग 40 से ज्यादा खाते हैं। ये तो केवल 5-6 खातों की रिपोर्ट है, बाकियों की आनी अभी बाकी है। इससे बड़ा घोटाला इसमें है। और ये व्यक्ति क्या केवल वीरभद्र सिंह को पैसा चढ़ाता है और पावर का प्रोजेक्ट लेता है कि बाकी कांग्रेस के नेताओं के साथ भी इसके संबंध है, ये भी देखना बाकी है। हिंदुस्तान में 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की, उनका खेती का पैसा भी पूरा नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी खेती बाड़ी की आमदन 30 गुना ज्यादा दिखाता है, 7,35,000 से बढ़कर 2,21,00,000 रातों रात हो जाती है। मात्र 25-30 लाख के ही आमदन को वो बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा बता देता है। करोड़ों रुपए की LIC पॉलिसीज को नकद में खरीदता है। क्या राहुल गांधी अब भी ऐसे भ्रष्ट नेता को संरक्षण देंगे? क्या राहुल गांधी और उनका नेतृत्व आज भी वीरभद्र सिंह को बचाएगा? लेकिन मैं एक चुनौती आज राहुल गांधी के घर के बाहर देकर जाने वाला हूं। अगर राहुल गांधी निर्णय नहीं ले सकते तो भारतीय जनता युवा मोर्चा कल से पूरे प्रदेशों की राजधानियों पर प्रदर्शन करेगा और 2 तारीख से हर जिला में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा। जब तक हिमाचल के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जाता, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगा मित्रों। और ये आंदोलन हमें इसलिए उग्र करना होगा कि 4 राज्यों की हार के बाद भी शायद कांग्रेस पार्टी सीखी नहीं है। जो कारगिल के शहीदों के लिए फ्लैट बनाकर दिए गए थे, वो फ्लैट भी कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार में अपने रिश्तेदारों को दिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिए। ये तो टीवी चैनल्स ने उस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया, तब जाकर राहुल गांधी को कहना पड़ा। वो भी तब कहना पड़ा जब कांग्रेस के एक सांसद ने ट्वीट करके कहा कि उस जांच रिपोर्ट को कूड़े के डब्बे में नहीं फेंकना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी उठे। मैं पूछता हूं कांग्रेस के बाकी युवा सांसदों से, क्या वो इस बात पर मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे? क्या वो अपने युवा नेता से नहीं कहेंगे, राहुल गांधी जी से, कि एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री का इस्तीफा दो? अगर वो इस्तीफा नहीं लेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करेंगे मित्रों। भारतीय जनता युवा मोर्चा चुप नहीं बैठेगा।
यहाँ पर कांग्रेस का एक नेता नहीं, एक मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह ने भी पैसे खाए हैं। राजा वीरभद्र के बेटा जो यूथ कांग्रेस का चीफ है उसने भी पैसा खाया है, उसने भी शेयर खरीदे हैं, उनकी बेटी ने भी शेयर खरीदे हैं, पूरे का पूरा परिवार उसमें शामिल है। क्या कांग्रेस का पहला परिवार हिमाचल के मुख्यमंत्री और उसके परिवार को बचाएगा कि उनके खिलाफ निर्णय लेगा? आज देखना यह है कि राहुल गांधी केवल कोरी बातें करते हैं कि निर्णय भी लेते हैं। राहुल गांधी जी, ये दोहरी बात नहीं चलेगी, और दोहरी बात ना देश सहन करेगा ना भारत का युवा सहन करेगा। हम सड़कों पर निकले हैं और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री आपके साथ बैठा रहेगा। हम घर पर नहीं बैठेंगे, हम आपके और आपकी पार्टी के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीरभद्र इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वीरभद्र इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गति छोड़ो, गति छोड़ो, गति छोड़ो, गति छोड़ो, गति छोड़ो, वीरभद्र इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।